हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। काफ़ी पेरेंट्स को इसके बारे में और जानने की उत्सुकता होती है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि 11 टू 12 वीक्स पे टेस्ट होता है जिससे होने वाले बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की संभावना का पता चलता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ है सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मयूरी दोषी, सुविधा नर्सिंग होम आनंद से। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ डाउन सिंड्रोम के लोगों के बारे में जो डाउन सिंड्रोम होते हुए भी अपनी फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल है और उन्होंने एक बड़ा नाम हासिल किया है। डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोलिज्म भी बोलते हैं, वो सबसे कॉमन एक आनुवंशिक विकार है। हमारे शरीर में क्या होता है कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। हर पेयर में एक मदर की तरफ से और एक फादर की तरफ से मिला के दो क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं। मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21st पैर है जो, उसमें दो की जगह तीन क्रोमोसोम होते हैं, तो उसको 21 ट्राइसोमी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये कितना कॉमन है जनरल पॉपुलेशन में? डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और हम नवजात शिशुओं को देखें तो करीब 800 से 1,900 शिशुओं में से एक को डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है तो ये डाउन सिंड्रोम है वो ज़्यादा ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे हम देखें कि 20 इयर्स की एज है मदर की, तो 1500 में से एक को डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। 30 साल की उम्र है तो 900 में एक को मिलता है देखने को। लेकिन अगर मदर की उम्र 45 से ज़्यादा हो गई तो 50 बच्चे होते हैं उसमें से एक को डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर्स क्या है, यानी किसको डाउन सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा है? सबसे पहला खतरा, जैसे हमने बताया कि जो मैटरनल एज, मदर की एज है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डाउन सिंड्रोम के लिए। जो महिलाएं 35 साल से ज़्यादा उम्र में कंसीव करती है उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे IVF से पैदा होते हैं उसमें भी जोखिम ज़्यादा होता है, क्योंकि तब जो मदर की उम्र है वो ज़्यादा ही होती है, क्योंकि पहले वो नॉर्मल तरीके से बच्चा होने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में जब वो IVF का जरिया लेते हैं तो उसकी उम्र है वो 35 साल के आसपास ही हो जाती है कम से कम। तीसरा खतरा होता है कि जो बच्चे हैं उसके फादर में अगर लो स्पर्म काउंट होता है या टेस्टोस्टेरोन जो लेवल हार्मोन होता है वो कम होता है, तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उसको भी डाउन सिंड्रोम होने का खतरा ज़्यादा होता है। डाउन सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं बच्चों में? डाउन सिंड्रोम होता है वो बच्चों नॉर्मल बच्चों से थोड़े अलग ही दिखते हैं। उनका चेहरा चपटा होता है, छोटा सिर, छोटी गर्दन, तिरछी आंखें, जीभ थोड़ी बाहर की तरफ होती है, उनकी उंगलियां, हाथ पांव सब छोटा होता है, उसका कद भी ओवरऑल छोटा होता है। और ये बच्चे जो होते हैं वो एक्चुअली तो फ्रेंडली होते हैं, कभी कभी खुशखुशहाल भी दिखते हैं। थोड़े बच्चे जो होते हैं वो बच्चे हैं
वो मेंटली सबनॉर्मल होते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चा होता है वो आउटस्टैंडिंग अचीवर्स भी होता है। उसको म्यूज़िक का काफ़ी शौक होता है, मिमिक्री में ये लोग अच्छा करते हैं। और कोई कोई लोग हमारे वर्ल्ड में पाए गए हैं जिन्होंने डाउन सिंड्रोम होते हुए भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है। अगर हम दूसरी सिस्टम का देखें तो क्या होता है, इन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा तरीक होता है और उसके हिसाब से उनका जो लाइफ स्पान मतलब कि जो उम्र होती है वो कम होती है। काफ़ी बच्चे हैं वो 25 साल के आसपास से ज़्यादा जी नहीं पाते हैं। इनकी इम्यूनिटी जो ओवरऑल है वो भी कम होती है। कई को स्टमक का प्रॉब्लम होता है। और दूसरी एक बीमारी है वो है कैंसर की आवश्यकता, वो कैंसर की शक्यता होती है वो इन बच्चों में ज़्यादा होती है और ज़्यादा तरह वो ब्लड कैंसर है वो काफ़ी कॉमन है। डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, कोई टेस्ट या कुछ होता है इसके लिए? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जब पैदा होते हैं तब तो उसका निदान करना ईजी है। हम क्रोमोसोमल एनालिसिस कर सकते हैं और उससे उसका निदान हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब बच्चा का गर्भ होता है तो गर्भ का भी निदान हो सकता है। तो उसके लिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी का जो होता है उसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं और वो न्यूक्लियर ट्रांसल्यूशन एनालिसिस बोलते हैं, उसमें पता चल सकता है। दूसरे है मैटरनल मार्कर्स, उसका टेस्टिंग से भी हमें डाउन सिंड्रोम का पता चलता है। फिर एमनियोसिंथेसिस मतलब कि गर्भ के आसपास जो प्रवाही होता है उसका टेस्टिंग करने से भी मालूम हो सकता है। और कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग करके वो टेस्ट है, उसमें भी हम सैंपल लेके उसका निदान कर सकते हैं। तो कई टेस्ट हैं जो टेस्ट से हम डाउन सिंड्रोम का निदान कर सकते हैं। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम अबॉर्शन करने का सोच सकते हैं और ऐसे बच्चे को पहले से ही हम अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे हमने जाना कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, पर हम क्या कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए कि बच्चों का अच्छे से हम मैनेज करें, अच्छा फ्यूचर हो उनका? जब बच्चों में डाउन सिंड्रोम डायग्नोस होता है तो सबसे पहले जो पेरेंट्स से उसके साथ काउंसलिंग करना चाहिए और उसमें जो हमारी भाषा है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए। उनको बता देना चाहिए कि बच्चे को क्या बीमारी है और वो बीमारी के साथ साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे कि कभी कभी हियरिंग डिफेक्ट होती है, कभी कभी आँख के प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट्स के प्रॉब्लम होते हैं, तो वो सब बीमारी भी उनको बता देनी चाहिए। उसके अलावा अर्ली स्टिमुलेशन मतलब कि बच्चों को प्रोत्साहन एनकरेजमेंट अगर हम जल्दी से जल्दी जितना दे सके उतना देना चाहिए और उससे बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तीसरी बात है कि जो बच्चा होता है उसको रूटीन जो चेकअप होता है वो ईयरली चेकअप करना चाहिए। तो उसकी जो हार्ट है उसकी ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट वगैरह जो टेस्ट होते हैं वो फ्रिक्वेंटली करने चाहिए ताकि कुछ भी एबनॉर्मलिटी अगर होती है तो हम जल्द से जल्द उसको ट्रीट कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।